हाँ, तो अगला चैप्टर अब आता है हमारा, परमाणु विद्युत अनुसंधान उत्पादन न्यूक्लियर प्लांट। भारत में परमाणु विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कुडानकुलम के दोनों रिएक्टरों के संचालित होने के बाद 2017 में 6780 मेगावाट से हो गई है। भारत में रूस के साथ तमिलनाडु और कुडानकुलम तिरुनवेली जिला 1,000 मेगावाट के दो परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हेतु समझौता वर्ष 2002 में किया था। देश में क्रमशः ताप विद्युत 67%, नवीनीकरणीय ऊर्जा 17%, जल विद्युत 14% के बाद परमाणु विद्युत का फोर्थ स्थान है। वर्तमान में देश में कुल 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जिनकी कुल विद्युत परमाणु क्षमता 6780 मेगावाट हो गई है। 21वां और 22वां परमाणु रिएक्टर जो हैं दुग्गनकुलम बिजली घर पर स्थापित हैं। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नदियां बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। परमाणु ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1954 में की गई। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक जो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। 1948 में स्थान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्राम मुंबई के निकट है, और ट्रांबे में ही भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कार्यशील है। भारत में पहले परमाणु विद्युत संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना 1969 में हुई, महाराष्ट्र के तारापुर में की गई। इसी के साथ 1969 में भारत के परमाणु विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हो गया। वर्तमान में भारत के कुल 8 परमाणु विद्युत केंद्र हैं, तारापुर महाराष्ट्र 1969 में, USR, रावतमाड़ा चित्तौड़गढ़ कनाडा, फाकसवार सूरत में, जैतपुर रालागिरी महाराष्ट्र फ्रांस द्वारा, नरोस बंदेल शहर UP 1989, कलप्पम चेन्नई स्वदेशी रिएक्टर ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा गांधी सॉरी परमाणु अनुसंधान, केंगा कर्नाटका भारत का 20वां, फुडान जो है फुलम रूस की सहायता से इंडिया का 21वां 22वां रिएक्टर। ठीक है, अब बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की। तो इसके अंतर्गत से ऊर्जा पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा, बायोडीजल एवं बायोगैस आदि हैं। इसे नवीनीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होगा। देश में विद्यमान अक्षय ऊर्जा स्रोत के विकास के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित मुद्दे की देखरेख के लिए पृथक मंत्रालय भी हैं। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा NCE की कुल स्थापित क्षमता लगभग 57,000 मेगावाट है, जो कि विद्युत की कुल स्थापित मात्रा का 17% है। 2012 के आंकड़ों में NCE का योगदान 12% वहाँ। सोलर एनर्जी देश में सौर ऊर्जा के विकास हेतु आदर्श दशाएं राजस्थान में विद्यमान है। सौर ऊर्जा का उपयोग दो रूपों में, फोटोवोल्टाइक सौर तापीय जो है फोटोवोल्टाइक सेल अधिकाधिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा को एकत्र कर सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, और सौर सेल भी कहते हैं। कई और सौर सेलों को जोड़कर सोलार पैनल तैयार किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल वास्तव में सिलिकॉन का छोटा टुकड़ा होता है, जिसे धूप में रखने पर विद्युत जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन के बाद सिलिका दूसरा स्थान पर है, और तो यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन 2010 JNNSM के अंतर्गत 13वीं योजना के अंत तक 2022 तक 20,000 मेगावाट और विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके सोलार वैलीज का निर्माण किया जाएगा। सोलार वैली एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होंगे जहां केवल सोलार एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। विंड एनर्जी और गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक 61% भाग पवन ऊर्जा का ही है। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का USAA, जर्मन स्टोन, चीन के बाद फिफ्थ स्थान। शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य तमिलनाडु कन्याकुमारी के समीप मुपंडल में सर्वाधिक विंड टरबाइन स्थापित किए गए हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह है। इसी प्रकार गुजरात में मांडवी सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। ठीक,
अब देखो राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो नेशनल हाईवेज की भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्राम सड़क, नेशनल हाईवेज की बात करें तो देखो लंबाई 98,000 किलोमीटर। केंद्र सरकार के अधीन इसका निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा डलहौजी। देश में कुल सड़क यातायात का लगभग 40% कवर करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक लंबाई वाला 3 राज्य यूपी, राजस्थान और MP हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में विकास परियोजना NSDP 1999 में प्रारंभ। इसके दो घटक हैं, एक स्वर्णिम चतुर्भुज, दूसरा पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा। चारों महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इसकी सबसे लंबी भुजा चेन्नई टू कोलकाता है, NH5 है। NSDP का विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसकी वित्तीय व्यवस्था ईंधन कर और टोल टैक्स द्वारा है। राज्य राजमार्ग ये सड़कें राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों को उसी स्थान की राजधानी से जोड़ती हैं। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबे वाले 3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, MP हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम सिलचर से पोरबंदर, 7,142 किलोमीटर। ठीक है, अब आता है भारतीय रेल परिवहन। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, 1854 कोलकाता से रानीगंज, पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग लॉर्ड रीडिंग के काल में 1925 मुंबई से कुली विद्युत इंजन दक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की थर्ड सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, USA रूस भारत। लेकिन रेलवे लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, USA चाइना रशिया इंडिया। अब तक भारत में कुल 17 रेल जोन का गठन। मुंबई VT देश का पहला रेल जोन है जिसने 1951 में कार्य प्रारंभ किया। पर्यटन ट्रेन स्थान दक्कन, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हेरिटेज ऑन व्हीलर्स, राज महाराजा एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई उड़ीसा गुजरात, टॉय ट्रेन दार्जिलिंग नीलगिरी 2082 और शिमला। एक्सप्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा परिवहन शेष भारी सामान, कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, सबसे लंबा रेल मार्ग डिचगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला को जोड़ने के लिए 1990 में प्रारंभ। भारत की सेकेंड सबसे लंबी रेल सुरंग, मुख्यालय मुंबई नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा भारत के बंदरगाह। तो प्राचीन भारत में सातवाहन और चोतकाच में आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम ने नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाजनी की शुरुआत। वर्तमान में देश में 7,516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर कुल 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु और 200 छोटे में 53 महाराष्ट्र में हैं। ठीक, देश की कुल 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। 13 बंदरगाहों में 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर, अंडमान एंड निकोबार पर। मुंबई में जो है पहला भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह सर्वाधिक व्यापारी से होता है। हवासेन सेवा जवाहरलाल नेहरू मुंबई का सहायक सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कंडला कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय पर्तन मुख्यतः आयात बंदरगाह, पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात यहीं से होता है। उत्तर भारत की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह मुर्मुगाओ ज्वारी नदी के ज्वाइंस मुख पर स्थित गोवा का लौह अयस्क, यही वहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर कुद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। भारत के बंदरगाहों से संभावित प्रश्न। कोलकाता, हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह का मुख्य दत्ताक्षय खिदिरपुर है। इसका तटीय पोताक्षय डायमंड हार्बर
सातवा जो है पासचीप, झारखंड और उड़ीसा का लोहा परिसे जापान को निर्यात होता है। आठवां विशाखापट्टनम, देश का सबसे गहरा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी के कारण पोताशे तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है, पानी प्राकृतिक बंदरगाह है। और नौवां एन्नौर, चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए देश का प्रथम कंप्यूटराइज एवं नियमित बंदरगाह है। 10 चेन्नई, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह खुला सागरीय बंदरगाह है। त्रित्री कोटिन, मन्नार की खाड़ी पर स्थित यह एक बहुत छिछला है और इसीलिए जहाज 5 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं, मत्स्य पतन भी कहते हैं। कृत्रिम बंदरगाह हवा सेवा एनोर, चेन्नई। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, चेन्नई सबसे प्राचीन खुला सागरीय भारत का औसत समुद्र तल, एनोर कंप्यूटराइज और नियमित। कोचिन और पासदीव लैगून पर स्थित कांडला आयात भवन और हवा सेवा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और पासदीव पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। अगला चैप्टर हमारा होगा भारत की जनजातियाँ।